अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज पाउंड केक, जो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। हमें चाहिए आधा कप शक्कर, 1/4 कप मेल्टेड बटर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स होने के बाद 2 अंडे डाल दें। ये रूम टेम्परेचर के अंडे हैं, अगर आपने फ्रिज में रखे हैं तो 1 घंटा पहले निकाल कर बाहर रख दें। 1 टीस्पून ऑरेंज है, ये ऑरेंज के ऊपर का छिलका है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 कप फ्रेश ऑरेंज जूस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, या आप मैदा भी ले सकते हैं, इसे छान लें। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे भी छान लें। आप चाहे तो आटे के साथ भी इसे डालकर छान सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 3 मिनट के लिए मिक्स कर लें। जेंटली मिक्स करें। बेकिंग टिन को यहाँ पर ऑयल से ग्रीस कर लें और पार्चमेंट पेपर लगा लें। अब आप इसमें बैटर डाल दें, इसे एक बार टैप कर दें और प्री हीटेड अवन में इसे 160 डिग्री पर 30 से 35 मिनट बेक करें। 30 मिनट के बाद केक बनकर तैयार है। इसे आधे घंटे के लिए आप ठंडा कर दें। मैं इसे आधे घंटे से पहले ही निकाल कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका केक परफेक्टली बेक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा गर्म है, आप इसे कम्प्लीटली ठंडा करके खा सकते हैं। देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आया है। ऑरेंज पाउंड केक बनकर तैयार है। तो चलिए अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।